भारतीय जनता पार्टी के सिंचाई राज्य मंत्री एवं विधायक सहित जिला सभागार में बैठक का आयोजन कर शासन सत्ता बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में बौछार लगा दी और जिले में सारी योजनाएं को जल्द से जल्द लागू करने के साथ पार्टी के हित पर कमल ज्योति लाभवंती व्यक्तियों के घर पर जाकर कार्यकर्ताओं द्वारा 26 फरवरी को कमल ज्योति जलाकर बीजेपी की उपलब्धि गिनाए जाने की बात कही गई है। बाधा से बीएन समाचार के लिए इमरान खान की रिपोर्ट। मैं तो कुछ अपने संगठन की चर्चा करना चाह रहा था। आप लोग मीडिया से हैं, हम लोगों के कुछ अभियान चल रहे हैं, हम लोग उन लाभार्थियों के पास तक जाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर जो भी लाभार्थी हैं उनको हम लोगों ने तय किया है कि उनके यहाँ कमल ज्योति जलनी चाहिए, तो उस ज्योति जलाने के लिए प्रत्येक बूथ तक हमारा कार्यकर्ता पहुँचेगा और 26 तारीख को प्रत्येक लाभार्थी के घर में कमल ज्योति जलाई जाएगी, ऐसा यह भी जानकारी आप सबके सामने आ जाए, इसके लिए ये मैंने कहा था। गाड़ी किसके लिए, कोई कुछ भी लिख ले, हम गाड़ी को नहीं रोक सकते, लेकिन सरकार ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है और ना ही करेगी। अगर वो है तो भी कार्रवाई की जाएगी ना, निश्चित रूप से। पहले तो है नहीं और होगा तो मैंने पहले ही कह दिया। आप कैसे कंफर्म से कह रहे हैं कि वो नहीं है? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा। आपने अभी कहा कि वो है नहीं। मैंने आप गलत, देखिए ऐसा है, आप तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हो। हमने कहा जो भी अपराधी हैं और जो इसमें इन्वॉल्व हैं कहीं भी किसी भी तरीके से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी, आपने कहा तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का काम कर, अगर कड़ियों को जोड़ लिया जाता समय से घटना ही घटती। निश्चित रूप से वहां पर तत्काल कार्रवाई पुलिस शुरू कर देती तो निश्चित रूप से बच्चे जीवित रहते।